रुद्रपुर के नैनीताल रोड स्थित होटल में कौशल विकास एवं सेवा योजना विभाग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने शिरकत की। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि आने वाले दिनों में हमारी कोशिश रहेगी कि ITI बच्चों को फ्री में रहने खाने की भी व्यवस्था की जाए। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सभी मंत्रियों को दिशा निर्देश है कि युवाओं को रोजगार कैसे प्राप्त हो, उसके लिए सशक्त प्रयास किया जाए। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। हमारे हेड HR ऑपरेशंस एंड कोऑपरेशन कल्याण जी, हमारे महोदय जी, यहाँ पर अकबर है कि मेरी एक सोच थी कि उत्तराखंड के जितने भी ITIs हैं उसमें जो भी बच्चा पढ़ रहा है उसको एक बराबर का मौका मिलना चाहिए उत्तराखंड के टॉप कंपनीज और इंडिया के टॉप कंपनी के साथ काम करने का। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमने बनाए दो, एक हमने फिलिप्स के, हमारे ITI रोशनाबाद के पूरा बैच और ITI काशीपुर का पूरा बैच स्नाइडर और फिलिप्स के द्वारा 24 से 25,000 रुपए की तनख्वाह उसको दिया। ये फायदा होता है, ये फायदा होता है आज की टेक्नोलॉजी के साथ चलने का, आज के समय के साथ ट्रेनिंग लेने का, अच्छी रिप्यूटेड कंपनीज के साथ काम करने संभाला था। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का एक स्पष्ट निर्देश सारे मंत्रियों को था, नई स्कीम ऐसी बनाई है जिससे लोगों को रोजगार हो, बच्चों को मौका मिल सके। और उसी के एक हमने जो मैंने साथ एक MOU किया कि हर साल 3 साल तक के लिए ये हमारे 1,000 बच्चों को इंटर्नशिप पर रखेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे और उनको वर्ल्ड क्लास मशीनों पे काम करने का मौका देंगे, और फिर जैसे जैसे उनको जिस बच्चों में जितनी काबिलियत हो उसके हिसाब से उसकी हायरिंग होगी। तो आज पहला बैच हमारे ITI बच्चों का मेरे ख्याल से उत्तराखंड में पहली बार हुआ है कि कोई भी बड़ी कंपनी अशोक लेलैंड जैसी बड़ी कंपनी हमारे ITI के कैंपस में जाके बच्चों का इंटरव्यू कर रही है। बच्चों को कहीं जाना नहीं पड़ रहा, कहीं भटकना नहीं पड़ रहा, वो उन्होंने कैंपस में जाके रिक्रूटमेंट करा, इंटरव्यू किया, वहीं से बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए और आज हमने उनको उनके इंटर्नशिप लेटर्स बांटे हैं। 1 साल की इनको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी अशोक लेलैंड के साथ, और उसके बाद आगे जैसे भी अशोक लेलैंड को ठीक लगेगा कैसे बच्चों की जा आते तो उनके आएंगे। एक मौका है उत्तराखंड के बच्चों के साथ, जैसे मैंने मंच में बोला है कि हमारे विभाग की भी एक सोच है, उत्तराखंड के बच्चों को भी मौका है कि टॉप कंपनीज के साथ टॉप मशीनरी पे आज के समय के हिसाब से ट्रेनिंग दिया जाए। और उसका हमको नतीजा ऐसा दिखा है कि हमने 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैसे फिलिप्स और स्नाइडर के साथ बच्चों की ट्रेनिंग कराई, उनको 24 से 25,000 रुपये की एवरेज सैलरी पे सारा बैच हायर कर लिया गया है। 40 बच्चों का एक बैच था, 25 बच्चों का एक बैच था। जो बच्चे 10,000-11,000 की तनख्वाह में पहले सिडकुल में भटकते थे, आज 25,000 रुपये की तनख्वाह में उनको कंपनीज हायर कर रही हैं। संभाला था माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का एक स्पष्ट निर्देश सारे मंत्रियों को था।